the process of digitization. First of all, we should know what is digitization. It is the process of converting an analog map into a digital format. During the digitizing process, features from the traced map or image are captured as coordinates in either point, line or polygon format. So, let's start to learn the process of digitization. सबसे पहले आर्क मैप ओपन करेंगे, उसके बाद एड डेटा में जाकर अपने डेटा को ओपन करेंगे। जो हमारा रास्टर फाइल है, जो हम लोगों ने पहले जियो रेफरेंस किया था, उस फाइल को अपने फोल्डर में जाकर ओपन करेंगे। रास्टर फाइल एड कराने के बाद हम लोग टूल बार में जो कैटलॉग विंडो है उस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वो आपको फोल्डर ऑप्शन शो करेगा कि कहां कहां पे कौन कौन से फोल्डर रखे हुए हैं। डी ड्राइव में जहां हमें अपना डेटा सेव करना है उस फोल्डर में जाएंगे और राइट क्लिक करके उसमें एक नया फोल्डर बना लेंगे जिसमें आपको अपना डेटा सेव करना है या डिजिटाइज करना है। यहाँ मैं अपने फोल्डर का नाम डिजिटाइज लिख लूंगी। उसके बाद बाहर एक क्लिक करेंगे और फिर डिजिटाइज वाले फोल्डर पे जाएंगे और उस पे राइट क्लिक करेंगे, फिर न्यू को सेलेक्ट करेंगे और पर्सनल जियो डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही पर्सनल जियो डेटाबेस बनेगा उसे आप रीनेम कर दीजिए। यहाँ पे हम लोग नाम दे रहे हैं हरियाणा का। फिर बाहर पे क्लिक करना होगा। आप देखेंगे हरियाणा एमडीबी बनेगा। एमडीबी मतलब मेटा डेटाबेस। आपका सारा डेटा है वो एक ही फोल्डर में बनेगा। फिर राइट क्लिक करेंगे और न्यू में जाकर फीचर डेटा सेट पे क्लिक करेंगे। फीचर डेटा सेट में क्लिक करके जैसे हमारा जो टोपो शीट है वो हिसार की है, हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट हिसार आएगा, तो मैं हिसार टाइप कर लूंगी और एक न्यू फीचर डेटा सेट क्रिएट कर लेंगे। अगर आपके पास कोई और डिस्ट्रिक्ट है जैसे कि रोहतक डिस्ट्रिक्ट है, अम्बाला डिस्ट्रिक्ट है, तो आप ऐसे ही एक न्यू फीचर डेटा सेट बना सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे उसका प्रोजेक्शन देंगे। आप एक बार प्रोजेक्शन दे देंगे तो बार बार देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हम लोग उस पर राइट क्लिक करते हुए न्यू में जाएंगे और फीचर क्लास को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ हम लोग नेम देंगे, जो भी इसका नेम है हम लोग सेटलमेंट क्रिएट कर ले, डिजिटाइजेशन कर लेंगे। यहाँ पे ध्यान देना होगा कि नेम में कभी भी स्पेस नहीं आएगा, कुछ स्पेशल कैरेक्टर चूज करने पड़ेंगे। एलाइस में आप फुल नेम ले सकते हैं। टाइप ऑफ फीचर स्टोर्ड इन दिस फीचर क्लास में पॉलीगन को सेलेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते ही एक न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये एक टेबल के लिए है, इसमें फील्ड नेम है। टेबल में अगर कुछ ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। इसमें आपको ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट आईडी और शेप दिखा रहा होगा, ये बाय डिफॉल्ट उसमें रहते हैं, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग न्यू फील्ड विलेज नेम से ऐड कर रहे हैं। डेटा टाइप में क्लिक करेंगे और टेक्स्ट करेंगे, उसके बाद नीचे देखेंगे लेंथ को। अगर आपको लगता है कि आपके विलेज के नेम 50 कैरेक्टर से ऊपर जा सकता है तो उसे आप चेंज कर दीजिए, 100, 200 एक्सेट्रा, फिनिश कर लेंगे। फिर हम लोग दोबारा जो हिसार डेटा सेट बनाए थे उस पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे और एक और फीचर क्लास बनाएंगे। पहले हम लोग पॉलीगन फीचर लिए थे, अब लाइन फीचर लेंगे। नेम में रेलवे लाइन लेंगे, इसमें स्पेस नहीं आता है इसलिए अंडरस्कोर लगाते हैं। अब हम लोग टाइप ऑफ फीचर स्टोर्ड इन दिस फीचर क्लास में जाएंगे और लाइन फीचर को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे
यहाँ पे सेटलमेंट की तरह सेम एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें हम लोग नेम टाइप कर लेंगे, डेटा टाइप में टेक्स्ट कर लेंगे और लेंथ 80 पे सेट कर लेंगे, फिनिश कर लेंगे। अब हम लोग फिर से हिसार डेटा सेट पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाकर एक और फीचर क्लास बनाएंगे। अब हम लोग पॉइंट फीचर लेंगे। पॉइंट फीचर के लिए हम लोग विलेज अंडरस्कोर पॉइंट नेम देंगे। टाइप फीचर में पॉइंट फीचर लेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे और फिर सेम फील्ड नेम में नेम देंगे। और डेटा टाइप टेक्स्ट ले लेंगे और लास्ट में फिनिश कर लेंगे। ये तीनों पॉइंट, लाइन, पॉलीगन के फीचर रेलवे लाइन सेटलमेंट और विलेज पॉइंट आ गए हैं। हरियाणा के अंदर हमारा पर्सनल डेटाबेस है, उसमें हिसार नाम का डेटा सेट है, उसके बाद तीनों फीचर क्लास है। फिर आप देखेंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट में ऑटोमेटिकली तीनों चीजें शो हो रही होंगी। अब इसके बाद राइट पे क्लिक करेंगे और टेबल ऑफ कंटेंट को ऑन रखेंगे। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा एडिटर ऑन होना चाहिए। एडिटर के साथ साथ हमारा स्नैपिंग टूल भी ऑन होना चाहिए। इसको आप ड्रैग करके अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे स्नैपिंग के सारे ऑप्शंस हाईलाइट होने चाहिए, जैसे पॉइंट स्नैपिंग, एंड स्नैपिंग, वर्टेक्स स्नैपिंग और एज स्नैपिंग, ये सारे हाईलाइट होने चाहिए, ऑन रहने चाहिए। अब हम लोग डिजिटाइजेशन स्टार्ट करेंगे। एडिटर में जाएंगे और स्टार्ट एडिटिंग करेंगे। इसके बाद एडिटिंग के लिए जिस एरिया को डिजिटाइज करना है उसे जूम करेंगे। हम लोग यहाँ पे सेटलमेंट बनाएंगे, एरिया फाइंड करेंगे, क्रिएट फीचर पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड में एक बॉक्स ओपन होकर आएगा। आप अभी सेटलमेंट क्रिएट कर रहे हैं। आप देखेंगे नीचे कंस्ट्रक्शन टूल है, जैसे पॉलीगन, रेक्टेंगल, सर्कल, आपकी जैसी भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप उसको बना सकते हैं। अगर आपको लग रहा है मेरा डेटा रेक्टेंगल शेप में है तो रेक्टेंगल चूज कर लीजिए और रेक्टेंगल बना लीजिए। अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं किसी भी फॉर्म में नहीं है तो पॉलीगन को चूज कर लेंगे। उसके बाद मैं क्लिक करना स्टार्ट करूंगी, क्लिक क्लिक, और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। अब आपके सेटलमेंट का पहला डेटा बन गया है। अब दूसरी जगह पे जाएंगे और आपको लग रहा है यहाँ पे भी अगर सेटलमेंट है तो वैसे ही क्लिक करते हुए उसे कंप्लीट करना होगा, और जहाँ पे भी ये कंप्लीट हो जाएगा वहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद एडिटर में जाएंगे और अपने डेटा को सेव कर लेंगे। आपको थोड़ी थोड़ी देर में वर्क कंप्लीट होने पर अपने डेटा को सेव करते रहना होगा। उसके बाद जो सिलेक्टेड है उनके सिलेक्शन को हटाना होगा। जैसे यहाँ एक फीचर सेलेक्ट हो रखा है और एक अनसेलेक्टेड है। अगर आप चाहते हैं कि फीचर अनसेलेक्टेड रहे तो ये क्लियर सिलेक्शन का अनसेलेक्टेड टूल है, उस पर आप क्लिक करेंगे और सारे सिलेक्शन को हटा लेंगे। अब कोई भी फाइल आपकी सेलेक्टेड नहीं है। अब मैं रेलवे लाइन लूंगी जो मेरा लाइन फीचर है। कंस्ट्रक्शन टूल में लाइन को सेलेक्ट करेंगे, फिर जूम कर लेंगे। ब्लैक कलर की जो रेलवे लाइन जा रही है उस पे क्लिक करेंगे
आप देखेंगे कि उस पे बॉक्स बन रहा होगा। जैसे जैसे हम लोग उसे पॉलीगन के पास ला रहे हैं तो ये स्नैपिंग का ही है। स्नैपिंग मीन्स ये लाइन से स्टिक हो गया है और ये अब वहीं से स्टार्ट होगा। इसका मतलब हुआ पॉलीगन फीचर और लाइन फीचर के बीच कोई गैप नहीं होगा, बिल्कुल चिपके हुए बनेंगे। उसके बाद लाइन फीचर क्रिएट करेंगे जो रेलवे लाइन है। हम लोग फिलहाल एक टाउन से दूसरे टाउन ले जा रहे हैं और वहाँ उसे छोड़ देंगे। सिलेक्शन हटा लेंगे। अब आप देखेंगे कि वो लाइन नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे कलर मिक्स हो रहा है। हम लोग अपने सारे डेटा के सिंबल को चेंज करेंगे। ये विलेज पॉइंट है, यहाँ पे अपने पॉइंट के साइज को बढ़ा लेंगे और अपने अकॉर्डिंग कलर भी चूज कर लेंगे। रेलवे लाइन का अपना एक अलग लाइन फीचर है, इसमें साइज को बढ़ा लेंगे और अगर आपको लग रहा है साइज बढ़ाने के बाद फिर से कलर मिक्स हो रहा है तो कलर को चेंज कर लें। अब आप अगर चाह रहे हैं कि हमारा जो सेटलमेंट है वो हॉलो रहे, सेटलमेंट का केवल बाउंड्री दिखे और अंदर का डेटा भी दिखे, तो हॉलो को सेलेक्ट करेंगे, उसके साइज को थोड़ा बढ़ा लेंगे और लाइन के कलर को चेंज कर लेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये सेटलमेंट का एरिया हो गया, ये लाइन हो गया। अब हम लोगों का पॉइंट फीचर रह गया है, जो विलेज पॉइंट हम लोग ले रहे थे। जहाँ जहाँ पे विलेज पॉइंट दिख रहा है, जहाँ पे विलेज दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करते हुए विलेज पॉइंट लगाएंगे। एडिटर में जाकर सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद जहां आपका डेटा है आपको जो MXT फाइल सेव करने हैं उसे सेव कर सकते हैं। जो हम लोगों ने लास्ट डेटा .mxt में बनाया था हम उसी के ऊपर इसे ओवर ऐड करेंगे। वो पूछेगा कि उसी के ऊपर सेव करना है तो यस कर लेंगे, हमारी ओल्ड फाइल के ऊपर वो प्लेस हो जाएगा। उसके बाद स्टॉप एडिटिंग पे क्लिक कर लेंगे और लास्ट में फिर से सेव कर लेंगे। थैंक यू।